तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, साथ ही चुनाव आयोग में शिकायत भी की है और सपा मुखिया ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पायदान पर है और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है, इसीलिए अब प्रचार प्रसार थम गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का फैसला किया, जिस पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने बुधवार 30 मई को चुनाव आयोग से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। आपको बता दें कि 30 मई की शाम को कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल प्रधानमंत्री ध्यान लगाने जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये वे तौर तरीके हैं जिसमें या तो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इसे 24 या 48 घंटे बाद प्रारंभ करें या फिर इसका प्रसारण किसी भी प्रकार की मीडिया में ना हो। प्रधानमंत्री 1 जून की शाम को हर प्रकार का आध्यात्मिक मौन व्रत रख सकते हैं। साथ ही कहा कि चुनाव के 48 घंटे पहले कोई भी नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह कुछ भी करें, मौन व्रत रखें या कैंपेन करें, परंतु चुनाव से पहले साइलेंट पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। कांग्रेसी नेता सिंघवी ने यह भी कहा कि आखिरी चरण में चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं भी प्रत्याशी हैं और ऐसे में साइलेंट पीरियड के दौरान इस प्रकार का प्रचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने बीजेपी फॉर इंडिया के आधिकारिक हैंडल के चलाए जा रहे कैंपेनिंग का मुद्दा भी रखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के खिलाफ आधिकारिक हैंडल से कम्युनल और गलत प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस प्रकार के प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी के भाषणों को भी विकृत कट के प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा था कि आप नोट कर लीजिए 4 तारीख के बाद ये प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। इस वीडियो को एडिट करके चलाया गया, वीडियो में छेड़छाड़ की गई और कहा गया कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये मिथ्या प्रचार है। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर भी शिकायत का चुनाव आयोग से की। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका उपयोग 75 वर्षों में अब तक किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि हेमंत कहते हैं कि अपने 300 सीटें दी तो राम मंदिर बना दिया, अब 400 से ज़्यादा देंगे तो हम मस्जिदों को तोड़कर वाराणसी और मथुरा में मंदिर बना देंगे। कांग्रेसी नेताओं ने अधिक जानकारी देते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। मेरे वरिष्ठ कॉलीग्स मेरे साथ हैं, हम लोग अभी चुनाव आयोग से आए हैं, विभिन्न कंप्लेंट्स थी, मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है
कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने दो बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने, या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में, 55 करीब करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा दूसरा एक मुद्दा है संक्षिप्त में कि बड़े भद्दे, अभद्र, भर्सना योग्य बीजेपी फॉर इंडिया के औपचारिक ऑफिशियल हैंडल से इश्तिहार निकाले जा रहे हैं जिसमें धर्मों और समुदायों के बीच में सीधा वैमनस्य फैलाने का एक सीधा प्रयत्न नहीं है, सीधा वैमनस्य फैलाया जा रहा है। हमने एक इश्तिहार रखा बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से जिसमें एक अल्पसंख्यक के पास जाकर दूसरा आदमी किसी और के पास जाता है और कहता है, हिंट करता है कि हम आपका सामान लेकर उस अल्पसंख्यक को दे देंगे, ये इतने, और वो कांग्रेस के नाम पे चलाती है बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से, कांग्रेस का नाम सीधा लेती है। ये झूठ ही नहीं, 75 साल इस देश में विभिन्न प्रधानमंत्रियों, विभिन्न पार्टी के लीडरों ने कैंपेनिंग की है, इस प्रकार से किसी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी विपक्ष पार्टी ने ऐसी भद्दी अभद्र कैंपेनिंग नहीं की है। ये संहिता का, चुनाव का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, संविधान के सब जो मूल तत्व हैं, सब चीजों का उल्लंघन है, डूज एंड डोंट्स का उल्लंघन है, इसमें भी तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा बिंदु जो हमने रखा चुनाव आयोग के सामने वो है डॉक्टर्ड वीडियोस का। जब कोई और थोड़ा सा भी, अनजाने में भी, अगर फेक वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियो चलाता है तो हमने देखा है कि कंप्लेंट्स होती हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है। कई बार गलत फेक कंप्लेंट्स की है सत्तारूढ़ पार्टी ने, हमने उनके समक्ष एक कंप्लेंट रखी है जिसमें कि सीधा राहुल गांधी के भाषण को विकृत किया गया। राहुल गांधी ने आप लोगों के सामने उस भाषण में, उस रैली में 3 बार हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बार कहा कि आप नोट कर लीजिए कि 4 तारीख के बाद इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, इनको टाटा बाय बाय, इनका राजनीतिक पूरा जो पद है वो खत्म हो जाएगा। उसी वीडियो को उसी भाषा में चलाकर एक बहुत बड़े बीजेपी भाजपा के समर्थक ने, जिसके 66,000 व्यूज हैं, उसमें सिर्फ 2 शब्द बदले और कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। ये अगर दुखद नहीं होता तो मजाकिया होता कि राहुल गांधी उस रैली में कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री वापस सत्ता में आएंगे। इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं जिससे कि आप फैलाना चाहते हैं, इस पूरे देश में मिथ्या प्रचार करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार योग्य हैं। और अंतिम बात मैं कहूंगा, एक बड़े जाने माने रिपीट ऑफेंडर हैं, सीरियल ऑफेंडर कहूंगा उनको, इन मामलों में सीरियल किलर कहा जा सकता है। और मैंने कहा विनम्रता से चुनाव आयोग को कि जब तक आप इनको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, कड़े शब्द नहीं करेंगे, इनके विरुद्ध बहुत स्ट्रांग कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये बार बार ज्यादा बुलंद होकर ये गलती करेंगे। उनका नाम है श्री हेमंत शर्मा। न किसी प्रधानमंत्री ने, न किसी मुख्यमंत्री ने
75 साल में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। माननीय हेमंत शर्मा जी कहते हैं 22 मई 2024 को कि अभी तक 300 दिए हैं आपने, हमने राम मंदिर बना दिया, अब 400 ज्यादा देंगे तो हम मस्जिद ए मस्जिद बी और वो नाम लेते हैं वाराणसी का और मथुरा का, उस सबको तोड़ के वहां मंदिर बना देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो उदाहरण दिए हमने, एक नहीं सभी के सब, ये इस आधार पे चल रहे हैं कि इस देश में न संविधान है, न किसी चीज जिसको आप धर्म निरपेक्षता कहते हैं वो है, न चुनाव आयोग है, न अनुच्छेद 324-329 है, न मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये काम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं जैसे कि यहां पर सिर्फ जंगल राज है। इसलिए ये आवश्यक है कि तुरंत बिना डिले के, और वो हम सब जानते हैं कि ये विंडो बहुत छोटा होता है, आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो उनके सब दुष्प्रचार का फायदा वो उठाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर सपा मुखिया का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था वहीं पर प्रधानमंत्री मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मेडिटेशन करने की जरूरत पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब देश के लिए आपको काम करना था। अब 10 साल बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे मेडिटेशन कर लोगे। रावतगंज में अखिलेश यादव ने मीडिया को बताया। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे, कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं, जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार।